तो गाइस आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल का प्राइवेसी पासवर्ड कैसे खोलें। यानी कि दोस्तों जैसे उसमें आप इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते रखते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट फिक्स होती हैं वो रखते हैं या फिर कोई भी प्राइवेसी जो चीज़ है पर जो दूसरों को दिखाना नहीं चाहते उसमें छिपा करके रखते हैं और उसका आप पासवर्ड है भूल, तो उसको कैसे तोड़ेंगे आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से चीज़ों को देखना और समझना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिंपल से अपने मोबाइल ले लेना है, ठीक है। जैसे मैंने अपना यहाँ पर देखिए लगा रखा ट्राइपॉड में, तो यहाँ पर क्या करना है आपको इस तरीके से आना है, अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना, जैसे मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आपका जहाँ पर भी प्राइवेसी प्राइवेट जो होगा उसको यहाँ पर सर्च कर लेंगे, यदि आपको डायरेक्ट मिल जाए तो वहाँ से कर लेना, नहीं तो यहाँ पर सर्च कर लेंगे प्राइवेसी, इस तरीके से करोगे प्राइवेसी, तो यहाँ पर आपको जो प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर चले जाना है, इस वाले ऑप्शन पर जैसे आप यहाँ पर जाते हो तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्राइवेट सेव का, ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो इस पर अब आपको जाना है इस तरीके से, और जाने के बाद अब आपसे यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेंगे, तो यही आप भूल गए तो उसको आप कैसे ब्रोक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई रॉन्ग पासवर्ड अपने फिल कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। कोई भी एक रॉन्ग पासवर्ड जैसे डाल दिया, जैसे आप डालते हो तो आपको ये चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। फॉरगेट जो यहाँ पर आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आ रहा तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, ये आ रहा तो बहुत जल्दी आप तोड़ लोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको रीसेट थ्रू सिक्योरिटी क्वेश्चंस पर जाना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर जाते हो अब आपको यहाँ पर डालना है वो आंसर, ठीक है। और जिनको पता नहीं वो थोड़ा देर रुक जाए, मैं वीडियो के लास्ट में बता दूँ कैसे करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड डाला था वो यहाँ पर इस तरीके से फिर कर लूँगा, जैसे मैंने डाला है इसके बाद इसको कन्फर्म कर दूंगा, या फिर आप लोग एक दफ़े ट्राई कर सकते हो। जैसे क्या होता है कभी कभी कोई नंबर डाल देता क्वेश्चंस में किसी का, या फिर अपना नंबर डाल देता या पिताजी का नंबर या फिर कोई भी रिलेटेड जैसे जिसको जाना अपन चाहते तो उसका नंबर भी डाल देते या नाम लिख देते, तो उसका आप एक दफ़े डाल के देख लें, शायद इस तरीके से भी खुल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हो जो आपका पासवर्ड सही निकलता है, तो आपको यहाँ पर सेट प्राइवेसी पासवर्ड यानी कि न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलता है, तो अब आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालना है इस तरीके से, देखिए जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से कोई भी एक न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेना आपको इस तरीके से, जैसे आप करते हो ये आपका ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पर फिर से आना है, चेक करना है पासवर्ड आपका डला या नहीं डला, चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके से डालेंगे तो गाइस ये देखिए फाइनली अपना पासवर्ड चेंज हो गया है, और यहाँ पर देख सकते हो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो प्राइवेसी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये भी प्राइवेसी है, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐड किया हूँ, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे, जिनको पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको रीसेट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता जिससे आप प्राइवेसी पासवर्ड लॉक तोड़ सको, ठीक है। तो सिंपल से आप यहाँ पर रीसेट कर देंगे, रीसेट पर क्लिक करेंगे, दो तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आएंगे, रीसेट ऑल सेटिंग करना, रीसेट इरेज ऑल डाटा कर दो तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा, रीसेट ऑल सेटिंग करोगे तो आपकी जो सेटिंग्स होंगी जो मतलब जो फोन में सेटिंग्स हुई थी आपने चेंजमेंट किया वो पासवर्ड डाले थे वो यहाँ पर सारे रीसेट हो जाएंगे। तो इस पर क्लिक करके आपको सिंपल सा इस तरीके से आना है और रीसेट ऑल सेटिंग इसके बाद पासवर्ड डाल देना और आपका पासवर्ड ऑटोमेटिक हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बताओ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।